This is Manshu Rathore and welcome back to my YouTube channel. Hope you are doing well. In today's video, I am gonna talk about my favorite 5 mascaras. They are mix of both high and low. So without wasting any time, let's get into the video. And the first mascara is from Maybelline. This is Maybelline New York Lash Sensational Mascara. और जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि Maybelline के जो मस्कारा है वो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेंज में अवेलेबल होते हैं और इस मस्कारा के अंदर आपको दो वेराइटीज अवेलेबल होती है, वॉशेबल और वाटर प्रूफ। मेरे पास में ये जो मस्कारा है वो वॉशेबल है क्योंकि मुझे वॉशेबल मस्कारा ज़्यादा यूज़फुल लगते हैं और अच्छे भी लगते हैं क्योंकि ये बहुत इजीली क्लीन हो जाते हैं, जबकि वाटरप्रूफ मस्कारा जो होते हैं उन्हें क्लीन करने के लिए आपको मेकअप रिमूवर्स को यूज़ करना पड़ता है क्योंकि वो स्लाइटली हमारी लैशेस पे ना चिपका हुआ रह जाता है, जो मुझे बहुत ज़्यादा इरीटेट करता है। इसलिए मैं वॉशेबल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं। दोनों ही मस्कारा बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। आप देख सकते हैं कि इस मस्कारा की जो पैकेजिंग है वो इस तरह की है। ये हमारे लैशेस को अपलिफ्ट कर देता है बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से और इमिडिएटली हमारे आईज के लुक को ट्रांसफॉर्म कर देता है, जो कि इसकी बहुत ही अच्छी बात है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मस्कारा इज Maybelline हाइपर गर्ल वाटरप्रूफ मस्कारा। सो अगर मुझे चूज़ करना पड़े मस्कारा और लाइनर में से, तो आई विल डेफिनेटली गोइंग टू चूज़ मस्कारा बिकॉज आई एम द मस्कारा गर्ल। लव यूजिंग मस्कारास। मैं लाइक मस्कारास की बहुत बड़ी फैन। कितना भी मेकअप कर लो, कितना भी आईलाइनर लगा लो, जब तक आपके लैशेस में वो जान नहीं है ना, तब तक आपके मेकअप में कोई मज़ा नहीं आने वाला है। द मिनट व्हेन यू अप्लाई मस्कारा, आपके लैशेस में वो जान आ जाती है और पूरा मेकअप अच्छा लगने लग जाता है। एज वी ऑल नो, हमारी जो आईज़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती है और उन्हें थोड़ा सा नोटिस करवाने के लिए हमें थोड़ा बहुत ड्रामा तो ऐड करना ही पड़ता है। और अगर आप ये लाइनर से करना चाहते हैं तो दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। मैं यहाँ पे मस्कारा यूज़ करती हूँ, Maybelline का हाइपर कर्ल मस्कारा है। ये हमारी आईज़ को एक ड्रामेटिक लुक देता है। दिस इज़ एक्चुअली कर्लिंग मस्कारा। जिनको हल्की सी घुमावदार लैशेस पसंद है उनके लिए परफेक्ट चॉइस है, उनको ये वाला मस्कारा डेफिनेटली बाय करना चाहिए। मैं यहाँ पे Maybelline का वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, जिसकी प्राइस अराउंड 300 रुपीज़ है। इफ़ यू आर ए बिगनर देन दिस इज़ द परफेक्ट चॉइस फॉर यू गाइज। यू शुड डेफिनेटली बाय दिस मस्कारा फ्रॉम Maybelline। एंड द नंबर थर्ड इज़ Huda Beauty Lizard Lash Mascara। सो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि हमें Huda Beauty का Lizard Lash Mascara ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो सब लोगों के मन में एक डाउट सा है कि हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको Huda Beauty का Lizard Lash Mascara ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। यहाँ पे आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं जो कि कुछ इस तरह है। इन दिनों में ये वाला मस्कारा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रखा है। आई एम टोटली इम्प्रेस विद द पैकेजिंग। दिस मस्कारा हैज़ टू साइड्स, वन साइड फॉर कर्लिंग एंड लेंथ एंड द अनोदर साइड इज़ फॉर वॉल्यूम। यहाँ पे आपको इस मस्कारा के दो कोट अप्लाई करने पड़ेंगे। जो फर्स्ट कोट होगा वो आपकी आईज़ को कर्ल और लेंथ प्रोवाइड करेगा और दूसरा जो कोट है वो आपकी आईज़ को वॉल्यूम प्रोवाइड करेगा। अभी मैंने मेरी आंखों पे कुछ भी अप्लाई नहीं कर रखा है। अब मैं यहाँ पे आपको ये वाला मस्कारा अप्लाई करके दिखाऊंगी। आपकी शादी होने वाली है और आपको फॉल्स लैशेस नहीं लगानी आती है, तो डेफिनेटली आपको Huda Beauty के Lizard Lash मस्कारा में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये मस्कारा आपकी आईज़ को इमिडिएटली ट्रांसफॉर्म कर देता है। आप इस मस्कारा को नायका से परचेज कर सकते हैं। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगी। इसकी प्राइस अराउंड 2250 रुपये के आसपास है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ मस्कारा इज दे आर रियल फ्रॉम बेनिफिट कॉस्मेटिक्स। यस, दे आर रियल। मैं बेनिफिट कॉस्मेटिक्स के बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, तो मैंने सोचा कि मेरे पास में ये बेनिफिट कॉस्मेटिक्स का एक मस्कारा भी होना चाहिए, मुझे डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। तो ये वाला मस्कारा दो साइज़ में अवेलेबल है। मेरे पास में इसका फुल वाला साइज़ है। आप चाहे तो इसका एक मिनी साइज़ भी बाय कर सकते हैं, जो कि नायका पे अवेलेबल है और जिसका प्राइस अराउंड 1200 रुपये के आसपास है। और अगर आप चाहें तो फुल साइज़ भी बाय कर सकते हैं। फुल साइज़ का प्राइस अराउंड 2500 के आसपास है। दिस मस्कारा इज़ वाटरप्रूफ
स्मज प्रूफ, एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल एंड लॉन्ग लास्टिंग। आपको डेफिनेटली ये वाला मश्कारा ट्राई करना चाहिए क्योंकि ये वाला मश्कारा बहुत ही ज़्यादा आँखों को अपलिफ्ट कर देता है, अपनी लैशेस को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर्ल कर देता है। और अगर आप थोड़ी हायर रेंज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और एक अच्छा मश्कारा बाय करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी बेनिफिट कॉस्मेटिक्स और हुडा ब्यूटी का लिजिट लैश मश्कारा। दोनों ही मश्कारा बहुत अमेजिंग है, आपको किसी भी तरह की फॉल्स लैशेस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है इन दोनों मश्कारास के यूज़ करने के बाद में। इवन मैं आपको ये वाला मश्कारा ज़्यादा सजेस्ट करूँगी क्योंकि इसके रिजल्ट्स बेनिफिट कॉस्मेटिक्स की कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर है। एंड नंबर 5 इज़ फॉल्स लैशेस एक्सट्रीम ब्लैक मश्कारा फ्रॉम मैक कॉस्मेटिक्स। जैसा कि आप देख सकते हो कि इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की है और मेरे पास में इसका मिनी साइज अवेलेबल है। और अगर मैं इसकी एप्लीकेशन की बात करूँ तो इस मश्कारा का जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। ये इंस्टेंटली हमारी आईज़ को एक ड्रामेटिक लुक क्रिएट कर देता है और जो इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। मैक का जो ये मश्कारा है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, आपको बिल्कुल कुछ भी पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपनी लैशेस पे कोई मश्कारा भी अप्लाई कर रखा है। स्मूथ है, स्मज फ्री है और लाइक क्लीन करने में बहुत ज़्यादा इजी है। आप एक सिंगल वॉश में इस मश्कारा को कम्प्लीटली अपनी आँखों से क्लीन कर सकते हैं। अगर आप अपनी आईज़ को एक अल्ट्रा ड्रामेटिक लुक क्रिएट करना चाहते हैं तो ये वाला मश्कारा आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। अब अगर मैं आपको इन पांचों मश्कारास में से एक क्विक रिव्यू दूं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर आप थोड़ा सा हायर रेंज की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको ये वाले मश्कारास ट्राई करने चाहिए। वन इज़ फ्रॉम हुडा ब्यूटी एंड द अनदर वन इज़ बेनिफिट कॉस्मेटिक्स। और अगर आप लोअर रेंज की तरफ जाना चाहते हैं और आप बिगनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको मेबेलिन का हाइपर कर्ल मश्कारा डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए क्योंकि ये बजट फ्रेंडली है और हमारी आईज़ को इंस्टेंटली एक ड्रामेटिक लुक क्रिएट कर देता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट राइट नाउ एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़। Thank you.